अध्यादेश के चीफ जस्टिस के खिलाफ कांग्रेस के महाभियोग लाने की तैयारी। सवाल दरअसल यही है कि क्या कांग्रेस महाभियोग पर महानाटक कर रही है। We have moved a motion for impeachment for the removal of Chief Justice of India under 5 listed grounds of misbehavior. न्याय प्रक्रिया की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अपेक्षाओं को ताक पर रखकर गरिमा के खिलाफ, न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हम आरोप लगाने आए हैं कि संविधान के अंतर्गत जो चीफ जस्टिस का जो पद है, जो मर्यादा उस पद की होनी चाहिए, उस पद की मर्यादा का चीफ जस्टिस ने उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी दूसरों को निपटाते निपटाते खुद निपटती जा रही है। ये पप्पू का पाप और पप्पू के पाप का पर्दा फाश हुआ है, तो उसके बाद जो है वो अभी कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। सवाल कांग्रेस का नहीं है, यहां पर ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। न्यायपालिका को ही न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यबोधों पे जिनकी रत्ती भर विश्वास नहीं है, जिन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया को तार तार कराने में एक अपनी पृष्ठभूमि रखा है। तो जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंप दिया है और उपराष्ट्रपति से प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी देने की मांग की है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुलकर हो रही नेताओं की बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। न्याय के नाम पर कांग्रेस का लोकतंत्र से अन्याय। लोया पर हार तो इंसाफ की अदालत पर वार। कांग्रेस को ना न्याय ना न्यायाधीश पर भरोसा। कांग्रेस के पास ना तो राज्यसभा में बहुमत है ना लोकसभा में नंबर है, लेकिन ख्वाहिश बहुत बड़ी है। कांग्रेस देश के चीफ जस्टिस को पद से हटाना चाहती है, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या नाकाबिल होने के आरोप साबित हो गए हैं। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं। 71 लोगों ने साइन किया है और उसमें 7 राजनीतिक दल शामिल हैं और नाम हम नहीं बताएंगे, और 71 लोगों में से 64 लोग हैं जो आज के दिन मेंबर ऑफ राज्यसभा है। न्याय प्रक्रिया की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अपेक्षाओं को ताक पर रखकर गरिमा के खिलाफ, न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके इस व्यवहार से पूरे देश के हर प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थानों को बहुत नुकसान हो रहा है। देश में आज तक किसी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले के सभी मामलों में कार्यवाही कभी पूरी ही नहीं हो सकी, कभी प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला या फिर कभी जजों ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। We have moved a motion for impeachment for the removal of Chief Justice of India under 5 listed grounds of misbehavior. ये बहुत unfortunate है, काफी बेबुनियाद लगता है, और जिस प्रकार से मूव किया है वो सारे आधार जो है वो निरस्त लगते हैं। ये जो सारा मामला है ये पॉलिटिकल है, कोई बुनियाद नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस के अंदर ही महाभियोग को लेकर फूट है तो फिर महाभियोग पर कांग्रेस सिर्फ नौटंकी क्यों कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महान विचारक चाणक्य ने न्याय के बारे में एक बार कहा था, दंड पारुष्यात सर्वजन देवेश्यो भवति। इसका मतलब है कि किसी न्यायाधीश को न्याय करते वक्त किसी पूर्वाग्रह या शत्रुता के असर में अपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, वरना जनता उसकी निंदा करने से नहीं चूकती। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की मुहिम छेड़े हुए है, उससे साफ लगता है कि पार्टी अपने फायदे के लिए न्यायाधीशों को डराना चाहती है।